हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो आपका स्वागत है खुर्शी किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं खड़ी मूंग की दाल। ये दाल खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और फ़ायदेमंद भी होती है। तो चलिए हम मूंग की दाल बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर मूंग ले लिया है, 1 कप मैंने लिया है। हम लोग 4 जन हैं तो 1 कप हो जाएगा। तो उसमें मैं पानी डाल के अच्छे से इसे 2-3 बार धुल दूंगी। तो यहाँ पर हमने मूंग धो के रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुकर गर्म करने के लिए रखा था, उसमें मैंने तेल डाला है। मैंने तेल सरसों का डाला है, तेल गर्म हो चुका है। उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें जीरा, जीरा चटक गया है। उसके बाद मैंने डाला है प्याज, प्याज ऐसे अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें लहसुन मिर्च का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है, धनिया पाउडर लिया है, हल्दी लिया है। इन तीनों मसालों में हम पानी डाल के अच्छे से घोल लेंगे। उसके बाद हम कुकर में डाल देंगे इसे और अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ हमारा मसाला पक चुका है, इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। देखो मसाला पक चुका है, तेल अलग हो चुका है। अब इसमें हम मूंग जो हमने धुला था वो डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे इसे। मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। पाँच मिनट के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर हम इसे बंद करके 15 मिनट तक पकने देंगे। 15 मिनट के बाद यहाँ पे हमारी मूंग की सब्जी दाल बनके रेडी हो चुकी है। अब देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है ये। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए आपकी सब्ज़ी कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए।